हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मैं कैपेसिटिव लेवल सेंसर के ऊपर, लेवल स्विच के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये इसकी मेक देख लेते हैं पहले। ये ट्रूमेन मेक है इसकी, और मॉडल नंबर इसके ऊपर दिया हुआ है LMC U2S। तो इसके पैरेलल कई और भी इसके जो हैं मॉडल नंबर के स्विच आते हैं, उनके मॉडल नंबर जैसे कि U2CP, U2PI एंड UD। ये दो तीन मॉडल दोस्तों और आते हैं इसी मेक के, टर्मिन मेक के। तो इसकी जो लेंथ है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये है हमारी 1 मीटर की लेंथ है, ये आप देख सकते हैं नीचे। तो अभी दोस्तों हमने इसको एक पाइप के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। पाइप के अंदर मैंने वाटर लिया है, एक बार मैं आप आके भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों इसके अंदर पानी है, तो जो पानी है दोस्तों ये कनेक्टिव होना चाहिए, प्योर RO वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटिव लेवल स्विच है। तो इसको पानी के अंदर कंडक्टिविटी चाहिए होती है, कंडक्टिविटी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा, ये माल फंक्शनिंग करेगा। तो इसके लिए हमें पहले तो जो पानी है ये कंडक्टिव लेना होगा। दूसरा, इसकी पावर सप्लाई के बारे में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये AC एंड DC दोनों पावर सप्लाई के ऊपर काम करता है। आपके पास जो भी सप्लाई अवेलेबल हो आप इसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिखा हुआ है 15 से लेके 80 वोल्ट DC एंड 15 से लेके 260 वोल्ट AC। और टर्मिनल दोस्तों सेम रहेंगे, 1 एंड 2, ये दोनों टर्मिनल रहेंगे, इनके ऊपर ही पावर देनी है आपको। और 3 नंबर पे आपको अर्थ देना है, अर्थिंग की वायर देंगे। और उसके बाद 4, 5 एंड 6, ये फर्स्ट रिले का चैनल है दोस्तों, चैनल 1, एंड 7, 8, 9 ये सेकंड रिले का चैनल है, ये आप देख सकते हैं। दोनों रिले के चैनल हैं दोस्तों, दो रिले हैं इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, एक हाई लेवल एक लो लेवल के लिए। तो जैसे ही जो वाला लेवल हमारा जो है चैनल ऑपरेट होगा, तो उसका चैनल का LED भी ग्लो करेगा, देख सकते हैं आप। चैनल 1 और चैनल 2 का एक LED इसके ऊपर पावर का दिया हुआ है, तो जैसे इसके अंदर पावर आती है तो ये LED ग्लो करेगा कि आपके सेंसर में, स्विच में जो है पावर आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही ये इसको लेवल का जो इंडिकेटर ये मिलेगा, तो इसके चैनल 1 और चैनल 2 रेट होंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ये लेवल के ऊपर है। आप लेवल अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इस पर कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेशन के लिए इस पर टोटल 6 स्विच दिए हुए हैं, 6 डिप स्विच दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 से लेके 6 तक। तो फर्स्ट वाला है जो वो कैलिब्रेशन का स्विच है, सेकंड वाला जो है इसमें टाइम डिले का स्विच है, एंड थर्ड वाला है जो फेल सेफ का है। फेल सेफ का मतलब जैसे आपका स्विच ऑपरेट हो रखा है तो उस ऑपरेशन के दौरान पावर चली जाए, तो पावर जाने के टाइम जैसा आपका कॉन्टेक्ट था ये वैसा ही रहेगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि आपका 3 नंबर वाला जो स्विच है वो ऑन होना चाहिए, ये ऑफ नहीं रहना चाहिए। अगर ऑफ होगा तो ये फेल सेफ ऑपरेशन काम नहीं करेगा। तो उसके बाद दोस्तों एक बार इसे ऑन कर लेते हैं, ऑन करके देखते हैं, पहले पावर देते हैं। तो मैं अभी 220 वोल्ट AC पे से चला रहा हूँ। तो मैंने इसको पावर दे रखी है दोस्तों, अभी ये ऑन हो गया। ये पूरा टोटली जो वाटर के अंदर डिप है, इसके इसी कारण से इसके दोनों LED हैं जो ग्लो हो रहे हैं। तो अभी इसे पानी से एक बार बाहर निकालते हैं, तो इसके दोनों LED हैं जो ग्लो नहीं होंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो पहले इसे बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो इसकी लेंथ बहुत है लंबी, इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं और अभी बाहर निकालते हैं। जैसे जैसे ये लेवल ऊपर आएगा तो लेवल इसको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए पहले वाला LED है जो, ये अभी चला गया। इसका फर्स्ट लेवल है जो हाई लेवल वाला जो है LED, वो चला गया। अभी इसका नीचे का लो लेवल देखते हैं दोस्तों, लो लेवल ऑपरेट करा के देखते हैं। तो अभी इसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका लो लेवल का LED चला गया। तो अभी बात है इसकी कैलिब्रेशन की, कैलिब्रेशन कैसे करनी है दोस्तों। चलिए इसे एक बार डाउन कर लेते हैं। ये स्विच बहुत, ये देखिए 1 मीटर की इसकी लेंथ है। तो
फर्स्ट वाला जो चैनल है उसका एलईडी आ चुका है दोस्तों। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसका लेवल लेना है, यहाँ पे चैनल टू का जो है ये हमारा लेवल नहीं आ रहा चैनल टू का, तो हमने इसी पोजीशन पे जो है इसका लेवल लेना है। तो अभी क्या करेंगे, चैनल टू वाला जो कैलिब्रेशन है उसको ऑन करेंगे। अभी देखिए एलईडी ग्लो हो चुका है, ब्लिंक कर रहा है। जब ये स्लो ब्लिंक करेगा ये देखिए, तो इट मीन्स ये देखिए स्लो ब्लिंक करने लगा। अभी इट मीन्स ये कैलिब्रेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, डिप स्विच को ऑफ कर देंगे दोस्तों। अभी हमने ऑफ कर दिया है, तो हल्का सा लेवल को अप डाउन करके देखेंगे। ये देखिए ये अभी यहाँ पे कैलिब्रेट हो चुका है। तो बहुत ही इजी है इसको कैलिब्रेट करना, ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं है। तो इस तरह से आप इस कैपेसिटिव लेवल सेंसर को, स्विच को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी टैंक का लेवल। तो इसकी लेंथ भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आती है, अलग अलग साइज़ में आप इसको जो है मंगवा सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।